पूर्वांचल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के नेतृत्व में शुक्रवार को अधिकारी और कर्मचारियों ने विशाल धरना और प्रदर्शन किया। पूरे देश में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित देश भर के 15 ग्रामीण बैंकों के मुख्यालय पर स्टेट बैंक की नीतियों के खिलाफ आयोजित धरना के कार्यक्रम में शुक्रवार को तारामंडल स्थित पूर्वांचल बैंक के प्रधान कार्यालय पर पूर्वांचल बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मी एकत्रित होकर धरना दिए। धरने की अध्यक्षता करते हुए पूर्वांचल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम राय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था से अलग जाकर भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजक बैंक द्वारा अपना नियम कानून बनाकर ग्रामीण बैंक कर्मियों के हितों का पर कुठारघात करने वाले तानाशाही रवैया अपना रखा है। प्रायोजक बैंकों के इस प्रयास से ग्रामीण बैंक कर्मियों में हीन भावना उत्पन्न हो रही है, जिससे बैंक हित भी प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक अपना नियम बनाकर अपने द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों में लागू कर रही है, जिससे रिक्तियाँ काफ़ी कम हो रही हैं एवं इससे एक तरफ जहां कर्मियों का मनोबल टूट रहा है एवं उत्साह में भी कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर मानव शक्ति कम होने से बैंक व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। धरने पर मौजूद कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को समर्थन में पूरे दिन नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। मुंबई से आए पूर्वांचल बैंक के अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यालय मुंबई से आए भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक सहयोगी एवं आनुषांगिक विभाग एस गणेशन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर नेशनल फेडरेशन ऑफ रीजनल बैंक ऑफिसर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष सगुण शुक्ला, ऑफिसर स्टेट फेडरेशन के महासचिव विमल शुक्ला, एम्प्लाइज स्टेट फेडरेशन के महासचिव हरीशचंद सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम राय ने कहा, अपने भविष्य के लिए अगर कोई सारे सेंटरों पर वहाँ पर लोग एकत्र हो गए, मित्रों ये जिम्मेदारी किसकी है? जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 आवाज मान जस्ट मान जस्ट मान जस्ट मान आवाज मान जस्ट मान जस्ट मान जस्ट मान आवाज मान जस्ट मान जस्ट मान जस्ट मान आज पूरे देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित 15 ग्रामीण बैंकों के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में मुख्य मांगे हैं, सारे हिंदुस्तान के प्रायोजक बैंकों से हट करके स्टेट बैंक के प्रबंधन ने ग्रामीण बैंकों के लिए एक अलग से नीति जो है, अलग से प्रमोशन पॉलिसी और अलग से नियम नियमावली तैयार किया है। इन्हीं सातों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीणों बैंकों में मित्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रोन्नतियों की नीति लागू हो गई है और प्रोन्नतियाँ हो रही हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित 15 ग्रामीण बैंकों में उस मित्रा कमेटी की रिपोर्ट को की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से जो है प्रगति नीति निर्धारण किया जा रहा है, मैन पावर प्लानिंग बनाई जा रही है और अपने सारे ग्रामीण बैंकों के मुख्यालयों को निर्देश दिया जा चुका है और मैन पावर प्लानिंग में काफ़ी कटौती करते हुए ये प्रमोशन के लिए प्रक्रिया जारी की जा रही है। इसके विरोध में आज का ये धरना है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण बैंकों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सभी पात्र कार्मिकों को कंप्यूटर इंक्रीमेंट देने की सुविधा लागू नहीं की जा रही है। स्टेट बैंक के प्रबंधन की एक बहुत बड़ी तानाशाही नीति है कि ग्रामीण बैंक के कर्मियों पर, सारे अधिकारियों कर्मचारियों पर एसबीआई लाइफ के प्रोडक्ट को बेचने के लिए अनुचित दबाव डाला जा रहा है। कर्मचारियों को अन्यत्र जगहों पर ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको प्रमोशन न करने की धमकी दी जा रही है। इसके विरोध में भी आज का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि प्रायोजक बैंक के जो भी अधिकारी ग्रामीण बैंकों में प्रतिस्थापित किए गए हैं, इनका प्रत्यावर्तन किया जाए, इनको वापस स्टेट बैंक में वापस बुलाया जाए, क्योंकि अब ग्रामीण बैंक का प्रबंधन और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा करने में हमारे अधिकारी कर्मचारी सक्षम हैं। ऐसे ही सेवा नियमावलियों की गलत व्याख्या करके अनुचित कार्यवाही स्टेट बैंक के द्वारा किया जा रहा है, इसका भी हम आज के इस धरना प्रदर्शन में विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंकों की भांति कर्मचारी ऋण की सुविधाएं लागू नहीं हैं। हमारी ये मांग है कि जैसे स्टेट बैंक के कर्मचारियों को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है, ग्रामीण बैंक के कर्मियों को भी वो सुविधा प्रदान की जाए।
सबसे बड़ी चीज ग्रामीण बैंकों की स्वायत्तता पर एक कुठाराघात, एक हमला, एक दमनकारी नीति के लिए निर्देश जो स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया जा रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। पेंशन योजना की प्रकृतियों में सुधार भी हमारे आज के इस धरना की मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हमें पेंशन योजना लागू करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक तरह तरह के इसमें जो है व्यवधान पैदा कर रहा है, तरह तरह के अपना नया कानून लागू कर रहा है और सेवानिवृत्त कर्मिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। संशोधित पदोन्नति नियमावली शीघ्र जारी करने की हमारी डिमांड है। अन्य और भत्तों और सुविधाओं को भी प्रायोजक बैंकों के समान करने की हमारी मांग है। जैसे स्टेट बैंक में लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी है, वह भी लागू करने की हमारी आज की डिमांड है। और एक स्टेट बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा दमनकारी नीति ये लागू किया जा रहा है कि 10 दिन के कंपल्सरी लीव पर सारे स्टाफ को भेजने का अमानवीय और इनह्यूमन डिसीजन लिया गया है। इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। साथ ही साथ अभी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कार्मिकों की इलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है एक नया सगुफा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लागू किया गया है, जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे कर्मचारी विरोधी नीति को हम ग्रामीण बैंकों में लागू नहीं होने देंगे। यह हमारा आज के धरना कार्यक्रम का संकल्प है और इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 15 ग्रामीण बैंकों के मुख्यालयों पर आज यह धरना हो रहा है। मृतक आश्रित का नियुक्ति का जो है भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई, नाबार्ड द्वारा स्वीकृति दे दी गई 2014 से, लेकिन यह स्टेट बैंक ऐसा हरामी स्टेट बैंक है, प्रवर्तक बैंक है, जो कि उस 2014 के से लागू करके इस प्रोन्नति क्या कहते हैं अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश को लेटेस्ट तिथि से लागू करने का निर्देश काला कानून पास किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और हम ये प्रबंधन से, SBI के प्रबंधन से मांग करते हैं कि अपने अपने नीतियों में संशोधन नहीं करेगा तो हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। आज के जी कौन सा संगठन शामिल है? हाँ, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ये हमारा राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो है दो समिति है, एक ऑफिसर्स फेडरेशन है, एक एम्प्लॉयज फेडरेशन है। इसके अलावे हर प्रदेशों में हमारा ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन है, ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन है, और इस पूर्वांचल बैंक में भी अधिकारी संगठन है, पूर्वांचल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है। और जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं उनका भी ऑल इंडिया बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेट लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस गोरखपुर में भी जो है पूर्वांचल बैंक ग्रामीण बैंक कार्मिक कल्याण समिति के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी जो है ये हमको समर्थन मिला हुआ है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि आज की तिथि में हाँ ग्रेच्युटी पर जो है बेसिक और डीए पर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि मध्यांचल ग्रामीण बैंक में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ग्रेच्युटी के भुगतान मूल वेतन और महंगाई भत्ते दोनों को जोड़ करके किया जाए, लेकिन यह प्रबंधन इस बात की भी अनदेखी कर रहा है। आज के हमारे इस धरना कार्यक्रम को BMS के और AIGBW के जो हमारे बैंक में कार्यरत संगठन है उनका भी पूर्ण नैतिक समर्थन हमको प्राप्त है।